आदरणीय साथियों, दुर्गाष्टमी, नवमी और दशहरा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही तो सनातन धर्म है जिसका पालन भाजपा नहीं करती। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 1985 में मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना लिया था राजीव जी ने, तब मैं 38 साल का था और तब मध्य प्रदेश के नेताओं में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रकाश चंद सेठी, अर्जुन सिंह जी, श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, माधवराव जी सिंधिया, कमलनाथ जी, ये सारे बड़े बड़े नेता हमारे केंद्र में थे, राजीव जी की कैबिनेट में। और आप समझ लीजिए कि 38 साल का दिग्विजय सिंह इन सब के साथ हमको मिलकर काम करना था। उस समय प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस एक टिनशेड में हुआ करता था, जहां हम लोग नीचे बैठ के कुर्सी टेबल पर नहीं बैठते थे, वही मीटिंग लिया करते थे। तब से लेकर आज तक कुछ न कुछ कोई न कोई तरीके से मैं उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में शामिल रहा। सबसे खराब काम है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा। 4,000 उम्मीदवार थे, अब 4,000 उम्मीदवार में 230 कैसे चुने? कोई लिखित परीक्षा तो इसमें होती नहीं, केवल संभावनाएं देखी जाती हैं, उसने कितना काम किया, कब से काम किया, जनता में उसकी पकड़ क्या है, संगठन उसका समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी विजिबिलिटी क्या है, जीतने की संभावनाएं क्या है, ये देखा जाता है। और जो प्रक्रिया अपनाई कांग्रेस पार्टी ने इस बार, मैं समझता हूं कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है। सबसे पहले कमलनाथ जी ने जिला प्रभारी बनाए, सह प्रभारी बनाए, मुझे 66 सीटें को अनदेखा आंदोलन करने के लिए कहा था, जहां लगातार हम हार रहे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक के नीचे मंडल, सेक्टर और बूथ तक हम लोग पहुंचे। इतनी तैयारी हमारी 2018 में नहीं थी, क्योंकि कमलनाथ जी को केवल 5 महीने लगे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी जो आज है। लेकिन इस चयन प्रक्रिया में लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर उम्मीदवार सोचता है कि मैं सबसे बेहतर कैंडिडेट। अब जिले से नाम लिया गया, ब्लॉक से लिया गया, जिले में लिया। पहली बार एआईसीसी के प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी ने जिला स्तर तक के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मशवरा किया है, कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे राजनीतिक इतिहास करियर। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहा, चीफ मिनिस्टर भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष भी रहा और वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूं। इतना पारदर्शी तरीके से कभी चयन नहीं हुआ था जो इस बार हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साथ फिर एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरीज एआईसीसी, कोई असेंबली सेगमेंट नहीं है जहां वो लोग ना पहुंचे, कोई असेंबली, हर असेंबली सेगमेंट में हम लोग पहुंचे। सबसे राय मशवरा किया है, ग्रासरूट के वर्कर्स से बात की है। उसके बाद
जितने आवेदन आए थे वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स को दिए गए और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स जो हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को दिए गए और पीसी के सारे मेंबर्स थे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, एक्स सीएसपी लीडर, एक्स मिनिस्टर, सीनियर लोग, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, महिला कांग्रेस के सारे अध्यक्ष उसमें शामिल थे। उन्होंने वन टू वन पूरे एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। कमलनाथ जी ने पिछले डेढ़ साल पहले से हर असेंबली सेगमेंट का चार अलग अलग एजेंसी से सर्वे करवाया, वो सर्वे हमारे पास है। आखिरी सर्वे हुआ है सितंबर 2023, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई। उस रिपोर्ट के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव रखे और उसके बाद चयन सीसी ने किया। हां, इसमें अपवाद कुछ हैं। जो अपवाद हैं वो आउटस्टैंडिंग केसेस हैं। 90% जो सीट तय की गई है वो सर्वे के आधार पर तय की गई, इसलिए मैं जितने भी हाथ, हर उम्मीदवार की अपनी अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भरोसा रखिए, जनता सरकार बनाने के, कांग्रेस की सरकार बनाने के पक्ष में, बदलाव के पक्ष में दुखी है, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, यहां तक कि आरएसएस के का वर्ग भी इनसे संतुष्ट नहीं है, भाजपा की लीडरशिप में भी आज बिखराव है, सरकार कांग्रेस की बन रही है। कृपया सारे मतभेद भुलाकर जो सूची आ गई, जिसको हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिल गया वही हमारा उम्मीदवार है, सब लोग मिलजुल के काम करें। और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितने भी यहां पे असंतुष्ट हैं, जो भी कार्य कहना है वो मुझसे चर्चा करेंगे, मैं और रणदीप सुरजेवाला जी उनसे मिलेंगे, और यदि ऐसी कोई बात आती है तो फिर रणदीप सुरजेवाला जी कमलनाथ जी से बात करके निर्णय लेंगे। कमलनाथ जी के पास हम नहीं चाहते कि उन पर कोई इस बात का प्रेशर हो, उन्होंने पूरी निष्पक्षता से काम किया है, हम इस बात को कह सकते हैं। आप कह रहे सभी का समन्वय बना लिया था, सभी से चर्चा कर ली थी, लेकिन इतना विरोध क्यों? और कई बार आरोप भी लगे हैं, कई जो कार्यकर्ता आए हैं आरोप भी लगाए कि भाई पैसे में बेचा गया है। सर, सबसे ज्यादा विरोध सुजालपुर जावरा इन सीटों को लेकर ज्यादा विरोध। उम्मीदवार जो है इतना मना करते हैं तो काहे को यहां परेशान हो रहे हैं? भोपाल दिल्ली भैया, मैं तो देखा है मैंने कि कई उम्मीदवार, मैं मजाक की बात कर रहा हूं कि नहीं हवाई जहाज से चलो, हवाई जहाज से आएंगे, अच्छी होटल में रुके, वहां दिल्ली में अपना माहौल बनाओ, भोपाल माहौल बनाओ, ये सब व्यर्थ है। ऐसे माहौल बनाने से कोई फैसला नहीं होगा। सर, ये आरोप जो लग रहा है, सुनिए, मैं नरेश ज्ञानचंदानी का केस बताता हूं आपको। ये कहीं गया ही नहीं, ना तो भोपाल में रहता है, दिल्ली तो गया नहीं, ना कैसी उसे चक्कर काटे, उसको टिकट मिल गया। छानबीन करके निष्पक्षता से टिकट दिए गए हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिनको को कहे नहीं, हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं, हाँ उनका आंकलन हुआ। और जो दिल्ली भोपाल दीप करते रहे, खर्च हो गया, टिकट नहीं मिला तो नाराजगी होना है। घर वाले कहते तुम क्या कर रहे हो, मोहल्ले वाले छेड़ते कि आ गए एमएलए साहब। ये सारी बातें तो परेशान तो होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी सहानुभूति उनके साथ है। धैर्य रखो, धीर रखो, हम लोग, सरकार हमारी बनती है तो जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ अन्याय हो भी गया होगा तो इनका पूरा ख्याल रखा। कोलारस वाले का मामला है सर, सर कोलारस वाले का मामला है, विधायक था वहां, उसको उसका कहना है कोलारस के दार रघुवंशी, वीरेंद्र रघुवंशी, उन्हें कहना था कि उनको कहा गया था टिकट मिलेगा। आप बिल्कुल सही, आपने प्रश्न किया है, वीरेंद्र रघुवंशी से मेरे पुराने संबंध है और वो दुखी था भाजपा,
क्योंकि भाजपा में कांग्रेस में था, सिंधिया जी से नाराज होकर भाजपा में गया। अब सिंधिया जी भाजपा में पहुंच गए तो दुखी होना स्वाभाविक है। तो वो हमसे मिला, हमने उससे कहा कि भाई ठीक है, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि कमलनाथ जी, मैं और वीरेंद्र रघुवंशी हम बैठे थे और उन्होंने ये बात हम लोगों ने तय किया कि तू कांग्रेस में आ जा, शिवपुरी से हम तेरे को चुनाव लड़ाएंगे, वादा किया था, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जब बड़े बड़े नेताओं, बीजेपी के नेता जाने लगे कि उनको भाजपा का टिकट देगी, तो केपी सिंह जी को सिंधिया जी के खिलाफ लड़ने के लिए शिवपुरी से उनको लाया गया। और मैं तो बधाई देता हूं कि शिव और केपी सिंह की इस हिम्मत को कि उन्होंने तय किया कि हां मैं अपनी पिछोर सीट को छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं सिंधिया जी का मुकाबला, चाहे यशोधरा जी हो चाहे सिंधिया जी, उनका मुकाबला करने के तैयार हो, हराऊंगा। मैं बधाई देता हूं केपी सिंह जी को और उनका टिकट डिक्लेयर हो। अब वीरेन को तो नाराज होना स्वाभाविक है, हमारी उससे बात हुई है, वीरेन मेरे पास अभी थे, कोई हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, केपी सिंह जी से बात कर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकाले। अभी भी बदल सकता है क्या पिछौर में? केपी सिंह जी ने कहा कि जब तक बी फॉर्म नहीं मिल जाता मैं भाजपा का प्रत्याशी हो सकता हूं। भाई देखो, केपी मेरा प्रिय रहा है जब से वो स्टूडेंट लीडर था। वो जब स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हुआ करता था, तब से मैं केपी सिंह को जानता हूँ। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, उसकी बेटी की शादी भी मेरे भांजे से हुई है। केपी सिंह हमारा अच्छा मित्र है, बड़ा प्रभावशाली नेता है और पिछोर में अच्छे अच्छे लोग चुनाव लड़ लिए, वो चुनाव हमेशा जीतता है और आज भी लोकल जो लीडरशिप है उसी के पास। सर, भोपाल में दो बच्चियों का अपहरण हो गया आज अपने कन्या भोज के मामले पे, जब वो करने गई थी। हम इसकी गोर निंदा करते हैं, पता लगाता हूँ। मुख्यमंत्री की तरफ कन्या पूजन कर रहे हैं सर, दो बच्चियां अगवा हो गई। मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा नौटंकी, हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसा हो गया। विरोध हो रहा है उसको लेकर कि क्या टिकट चेंज कर रहे हैं कुछ सीटों पर, कि इन सब चीजों के मैं अधिकृत नहीं हूं भैया। सर, आपकी बातचीत हुई? बातचीत तो सबसे होती है, बदलाव देखिए। संपर्क मेरे पांच मेरे प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल लाइफ में, संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच, इसी पे मेरा जीवन कटा। सर, जिस तरह से आपने खुद घोषित रूप से कहा कि कांग्रेस के शिव हैं, विष पीने का काम आप करते हैं, तो जो गढ़ रूठे हैं उनको मनाने का फॉर्मूला क्या है? सर, विष पीना। सर आप तो विष पीने बाकी कार्यकर्ताओं आपने सुना हमारा और कमलनाथ जी का संवाद, जिसको टिकट ना मिले वो दिग्विजय सिंह कपड़े फाड़ो, जयवर्धन कपड़े फाड़ो, फाड़ो खड़े। सर, ये उसी का नतीजा है सर? क्या जी, ये विरोध जो हो रहा है उसी का नतीजा है? किसका? कपड़े फाड़ने का। मैं तो नहीं मेरा तो एक ही बार कपड़ा फटा है एज चीफ मिनिस्टर, जब अजीत जोगी का चयन मुख्यमंत्री का मैंने करवाया, तभी विद्याधर शुक्ला जी के घर पर उनके कार्यकर्ताओं ने मेरा कुर्ता खींचा, उसमें मेरा कुर्ता फटा। सर, एक सवाल और सर, जब भी सीएम का चयन करते हैं तब भी कुर्ता फटता आपका? छत्तीसगढ़ में कुर्ता फटा जी, तो यहाँ भी जब भी सीएम का चयन की बात आती है, कमलनाथ जी सीएम लगभग तय हो गए हैं, छत्तीसगढ़ में भी कपड़ा फटने की यहाँ भी फटने की नौबत आ रही है। आपने सुबह आज सुबह आपने ईवीएम को लेकर के ट्वीट किया था, आज सुबह आपने ट्वीट किया, बीजेपी चुनाव आयोग को ज्ञापन दी है कि आपने गलत तरीके से चुनाव आयोग ने जो ट्वीट किया, आप क्या कहेंगे? मैं उस पर कायम हूँ। इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है, ये बुनियाद है लोकतंत्र। हमारा कहना एक है कि हमने बटन दबाया, बटन दबा के 7 सेकंड के लिए हमारे को दिखा और डब्बे में गिर गया,
अब कई लोग देख नहीं पाए तो डब्बे में गिर गया। अब क्या करो, हमारी मांग केवल यह है कि वीवीपैट, अब ईवीएम से चुनाव कराओ, मैं उसके पक्ष में हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, ये बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। लेकिन मैं एक मतदाता हूं, मेरा ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है कि मेरा वोट सही रिकॉर्ड हो, सही जगह जाए और सही काउंट हो, ये मेरा अधिकार है। वीवीपैट में पता ही नहीं पड़ता है। हमारा इनसे कहना यह है कि आप जो मशीन में, आज विश्व में जिस मशीन में चिप लगी हो वो टेम्पर प्रूफ नहीं है, टेम्पर हो जाता है। अरे आरबीआई रशिया के रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश सैकड़ों हजारों अभी से उनके करेंसी का पैसा निकल गया, पता नहीं पड़ा। जब वो हो सकता है तो ईवीएम क्या चीज है। हमारा कहना यह है कि आप, अच्छा दूसरी बात एक और है, इसके तीन अंग होते हैं, बैलेट यूनिट या बटन दबाते हैं, दूसरा वीवीपैट यूनिट और तीसरा होता है काउंटिंग यूनिट। ठीक है, वीवीपैट में चिप रहती है, काउंटिंग यूनिट में चिप रहती है और दोनों में सॉफ्टवेयर डला हुआ है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और कंप्यूटर में जानते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा, आपका मेरा आदेश नहीं मानता। अब सॉफ्टवेयर किसने डाला, क्या सॉफ्टवेयर है, इलेक्शन कमीशन को उजागर क्यों नहीं करता, उजागर करे, निष्पक्षता से उजागर करे, क्यों नहीं उजागर करते, हमारी मांग है। मैंने इस देश के टॉप कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट से बातचीत की है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आईआईटीज के, उनसे मेरी चर्चा हुई है, इंटरनेशनल क्रिप्टोग्राफर्स के साथ हमारी बातचीत हुई है और उस पर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था जस्टिस लोकर कमिश्नर ने अध्यक्षता में। कुछ प्रश्न हमारे हैं वीवीपैट के बारे में, इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में, वो टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हमारी उत्तर दे दो। इलेक्शन कमीशन हमारा मिलने हमसे तैयार नहीं, कहा कि हम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का जवाब आपको भेज रहे हैं, आप उसमें देख लीजिए, अरे उसमें है ही नहीं, हमने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उसमें है नहीं, आप कह रहे हैं कि उसमें एफएक्यूज में देख लीजिए। हमारा वोट बैलेट यूनिट में जाता है, उसका उस पर चिप नहीं है, वो उसे केबल लगा हुआ है। आदेश वीवीपैट जो स्लिप देती है, वीवीपैट मशीन देती, वो आदेश काउंटिंग मशीन में जाता है, बैलेट यूनिट का आदेश नहीं जाता है। अब बैलेट यूनिट का आदेश नहीं जाता तो हमारा आदेश तो नहीं गया, हमारे आदेश को सॉफ्टवेयर ने क्या किया ये हमें तो मालूम नहीं, क्या हमको ये अधिकार नहीं पूछने का। तो बीजेपी कह रही है कि आप हार के डर से ये ईवीएम का मसला, देखो बीजेपी जो है ना उसके फेवरेट टारगेट दिग्विजय सिंह, बहुत अच्छा टारगेट उनके लिए, रोज घूसा मारते हैं मुझको, जैसा पंचिंग बैग देखा है, बॉक्सिंग जो होती है ना ट्रेनिंग के लिए बैग टंगा रहता है, घूसा मारते, लेकिन बैग में जैसा घिल घिल के फिर वही खड़ा हो जाता है, निरोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं से काफी खफा है अखिलेश यादव इंडिया के, नहीं बात सुनिए, देखिए जो जो इन्होंने कहा कह दिया कमलनाथ जी ने, किसी कैसे कह दिया नहीं आता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी, मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूँ, चुवाने की बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक
कैंडिडेट जीता था बिजावर से जो बीजेपी में चला गया। दो सीटों पे वो उनके अच्छे वोट दो सेकंड आए थे, इस तरह से तीन सीटों के ऊपर का ठीक है, वो छह सीटें मार गए। चर्चा हमारी हुई और चार सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए, इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर ये छोड़ दिया। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यू हैं। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की बूथ पर बड़ी कृपा थी, जब वो मुख्यमंत्री थे मैं भी मुख्यमंत्री था, कुछ जैसे राजनेता हमने देखे नहीं आज, उनकी बड़ी कृपा रही। और जब भी मुझसे मैं टाइम मांगता था उससे मिलते थे बातचीत। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और उन्होंने वस्ती संभाली है, परिवार को संभाला है। हाँ, अब ये चर्चा कहां पीड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। लेकिन इतना हमको मालूम है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे, पिछली बार भी जो आया था वो सीधा हमारे पास आ गया, बाद में कांग्रेस का ही था, तीन बार कांग्रेस के टिकट पे हारा और एक बार समाजवादी पार्टी से जीत गया। जगदीश शुक्ला का छोटा भाई जगदीश शुक्ला हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पूरी तरीके से हमने कांग्रेस को सपने उसको मौका दिया, तीन बार बिजावर धरा, चौथी बार समाजवादी पार्टी जीत गई, फिर भाग गया बीजेपी में। सर अभी क्या है कि अगर गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं होता तो हम कुमरेशियों के फोन नहीं उठाते, तो हमारे साथ अजब किया गया अजब मुझे जानकारी। अच्छा अखिलेश यादव, अब इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं कि केंद्र में साथ में लड़ेंगे सेंट्रल का चुनाव, और आज ही समाजवादी पार्टी लखनऊ में उनके दफ्तर के बाहर भावी प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाया अखिलेश यादव, इसमें क्या आपत्ति, पोस्टर लगाने का अधिकार सबको है सर, 2018 क्या आपत्ति तो होंगे क्या इंडिया अलायंस के, बात यह मैं इंडिया अलायंस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं उस कमेटी में, इसलिए मुझसे आप क्या उम्मीद करते। सर 2018 में आपने संगत में पंगत की, समन्वय की राजनीति करी, अब क्या निकलेंगे सर इस तरह का माहौल बन? हाँ बिल्कुल, कब से निकलने वाले? निकला हुआ हूँ, कब बैठा हूँ मैं सर, कुछ मैं तो अगर ना निकलू बीमार पड़ जाऊँ सर, डेमेज कंट्रोल प्लानिंग है ना, AICC ने मुझे समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया है सर, सर के लिए रंजीत सुरजेवाला जी से बैठ के हम लोग कमलनाथ जी बैठ के तय करें कैसे करें। सर शिवपुरी में क्या सिंधिया जी को रोकने के लिए ये रणनीति बनाई गई थी केपी सिंह को उतारने के पीछे? निश्चित, और डर के मारे भाग गए सर, ठीक है, पांच सीटें ऐसी इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें घोषित नहीं किया। सर शिवराज सिंह चौहान 130 सीटों का दौरा करेंगे 17 दिन में, क्या लगता है पार्टी को फायदा होगा नुकसान होगा? वो 231 भी कल दिन फर्क नहीं पड़ने वाला। सर पांच सीटें ऐसी हैं जहां भाई 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 भतीजा ये उतरे आमने सामने सर, घर के लोग क्या लग रहा सर? सर विरोध रुस्तम सिंह और बदलाव की संभावना है क्योंकि इसका सबको मुझे जानकारी। सर रुस्तम सिंह नंद कुमार सिंह चौहान के जो परिवार है वो एक तरह से बगावत कर रहे हैं, रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, बसपा ज्वाइन कर लिया रुस्तम सिंह ने, उनके बेटे को ये देखो रुस्तम सिंह जी मेरे बड़े प्रिय IPS अफसर थे, सबसे बेहतरीन पोस्टिंग मैंने उनको समय समय पर दी। सर श्रीनिवास तिवारी जी के पोते सिद्धार्थ, मुझे बेहद दुख है श्रीनिवास तिवारी जी के मेरे संबंध आप जानते थे, निकलते थे, और मैं कहता हूं कि विभिन्न प्रदेश के मेरे लिए दो सबसे बड़े नेता थे श्रीनिवास तिवारी जी और अर्जुन सिंह, दोनों अद्भुत नेता थे, अद्भुत नेता। और श्रीनिवास तिवारी तो आप जानते हैं, तिवारी जी तो मैं रीवा में किसी और के घर खाना खाने नहीं जाता रहा, केवल सुंदरलाल तिवारी जी
उनकी पुत्र और सिद्धार्थ के घर पर जाता था। सिद्धार्थ ने बेहद गलती की है, उनके साथ वो गया है जिसकी जीवन भर श्रीनिवास तिवारी जी ने विरोध किया है। क्या क्या नहीं कहा श्रीनिवास तिवारी जी को, क्या क्या नहीं कहा सुंदरलाल तिवारी को, सिद्धार्थ के पिता और दादा को, जिसकी वजह से आज सिद्धार्थ तिवारी बड़े उचक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उसको, मुझे दुख है। अच्छा खासा लड़का मेहनत कर रहा था, अवसर मिल रहा टिकट का, ठीक है नहीं मिला नहीं मिला, क्या टिकट मिल गया तो क्या जीत जाएगा? सर आप भविष्यवक्ता नहीं लेकिन आपका आकलन बड़ा सटीक होता है, कितनी सीटें कांग्रेस पारी इस चुनाव में? 130 प्लस राहुल गांधी 150 कह रहे थे, आप 130 बोल रहे हैं, उनका 20 सीटें कम होंगे। ठीक है, धन्यवाद।